वेलकम टू एलिश बेकस्ट्री एंड फूड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी चिकन विंग्स की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे मैंने होल विंग ले लिया है और इसे हम ज्वाइंट पीस से कटिंग करेंगे। तो एक विंग में से दो पीसेस निकल आते हैं और इसी तरीके से हम सारे विंग्स कटिंग कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए डालेंगे इसमें दही 1 कप, नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सिरका डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून और ब्लैक पेपर डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून। अब सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखें काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे 30 मिनट के लिए। अब एक बाउल में क्रम्ब कोटिंग के लिए मैदा लेंगे 2 कप, इसके अंदर डालेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सादा नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करेंगे। और अभी इसको एक साइड पर रख देते हैं। एक सेपरेट बाउल में पानी लेंगे हम, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास जितना पानी ले लिया है और इसको भी अभी साइड पे रख देते हैं। चिकन मैरिनेट होने के बाद चिकन को लेंगे और उसको मैदे का कोट चढ़ाएंगे। मैदे के पहले कोट में हमने चिकन को मैदे में डाल के बस अच्छे तरीके से प्रेस करना है और उसके ऊपर मैदे की अच्छी सी कोटिंग चढ़ा देनी है। और जब कोटिंग चढ़ जाए तो चिकन को निकालेंगे, उसको झटकेंगे और उसका एक्स्ट्रा मैदा निकाल देंगे और फिर उसको पानी में डिप कर देंगे। जब पूरा पानी में भीग जाए तो इसको वापस निकालना है और वापस इसको मैदे में डालेंगे। और अब हमने इस पर बहुत सारा मैदा डाल के अच्छे तरीके से इसको प्रेस करना है और प्रेस करते करते हमने इसको इस तरीके से मसलना है। मैदा डाल के चिकन को इस तरीके से मसलेंगे तो बहुत अच्छी सी रोड़ियाँ इसकी बनेंगी। हाथ को इस तरीके से चलाना है, ऐसे बहुत सारा मैदा डालेंगे और इस तरीके से प्रेस करेंगे। और जब हम इसको झटकेंगे और इसका एक्स्ट्रा मैदा इसमें से निकाल देंगे तो फिर आप ये देखें कि कितने अच्छे से इसके क्रम्स बने हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त से क्रम्स हमारे तैयार हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बने हैं। तो बिल्कुल ऐसे क्रम्स बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करें। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले चिकन लेंगे, उसको मैदे में डालेंगे और मैदे का एक हल्का सा इसके ऊपर कोट चढ़ाएंगे जस्ट प्रेस कर करके। और जब इसके ऊपर एक मैदे का कोट चढ़ जाएगा तब हम इसको डालेंगे पानी में, तब फिर इसको झटकेंगे और इसका एक्स्ट्रा मैदा निकाल देंगे, वरना वो पानी में जाके निकलेगा। तो इसको हम यहीं झटक के निकाल देंगे और इसको पानी में डिप करेंगे पूरा, और पानी में से इसको एहतियात से निकाल लेना है और एक्स्ट्रा पानी भी इसका रिमूव कर देंगे। अब इसको वापस मैदे में डालेंगे। अब डालेंगे इसके ऊपर काफ़ी सारा मैदा और मैदे में डाल के इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और मसलेंगे। मैदा डाल के इस तरीके से हाथ को चलाते हुए चिकन को मसलना है, सिर्फ प्रेस नहीं करना बल्कि मसलना है। ठीक है, ये हमने मसला ऐसे, ये फिर से ये देखें इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बनने लगेंगे। और जब हम इसको झटकेंगे तो इसका एक्स्ट्रा मैदा जब निकलेगा फिर क्रम्स तैयार हो जाएंगे। ये देखें, ये मैंने झटका, ये देखें कितने अच्छे से इसके क्रम्स बन रहे हैं। इसी तरीके से सारे चिकन के पीसेस को कोटिंग करेंगे, पहले मैदे की, फिर पानी की और फिर मैदे की। और अब चिकन विंग्स को फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ऑयल हल्का गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं, क्योंकि हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि हमारा चिकन अंदर से अच्छा सा गल जाए। और ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो ऊपर से क्रम्स जल जाएंगे और चिकन अंदर से टेंडर भी नहीं रहेगा। तो हल्के गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। और ये चिकन विंग्स 12 मिनट में अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब इनको निकाल लेते हैं। ऊपर से अच्छे क्रिस्पी भी हो गए हैं और अंदर से भी ये गल गए हैं क्योंकि ये 12 मिनट तक फ्राई हुए हैं और ऊपर से इनका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपके साथ और भी ज़बरदस्त सी रेसिपीज शेयर करते रहेंगे। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट में या इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हमारे क्रिस्पी फ्राइड विंग्स तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही अच्छे से गले हैं अंदर तक और इसका क्रंच भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ट्राई करें, इंजॉय करें। मिलते हैं आपसे किसी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल।